चलिए जी, इधर सुबह सुबह का आगाज़ हो गया हमारे नाश्ते से। तो इधर मैं दूध रखा उबलने के लिए, इधर चाय पक रही है। अम्मी ले गई चने लेने के लिए, क्योंकि रात मैंने चावल बनाए थे तो चने मंगवाए। इधर मैंने पेड़े कर लिए, एक अली का, ये अम्मी का, ये मेरा, ये अली का। तो बाकी तो अभी सारे सो रहे हैं, नदीम भी सो रहा है, वो तो 12 बजे उठेगा नाश्ता करने के लिए। इधर बर्तन धो रही थी मैं, तो दूध को बॉयल आ गया, तो मैं कहा चलो मैं पहले दूध देखती हूँ तो फिर करती हूँ। मम्मी चने लेके आ गई, चने लेके आ गई। स्कीमा च लेके आयो ना, स्कीमा च लेके आयो चने। हाँ बस सही है, चलो बैठो। हाँ चलो, जिसने तस्बीह फेंकी है अम्मी को वहाँ से दाने मिले। चलिए जी, मैं नाश्ता बनाती हूँ फिर आपसे शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी तो आज मैं भी ठीक हूँ। इधर सुबह का, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह का आगाज़ हो गया नाश्ते से, तो नाश्ता करते हैं। उसके बाद बच्चों का स्कूल में आज रिज़ल्ट है, भाभी को भी उठाती हूँ। 8 से 12 बजे का टाइमिंग है, तो वह सभी जाएंगे नाश्ता वाश्ता करके रिज़ल्ट लेने। रिज़ल्ट लेके आते फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या बच्चों ने नंबर लिए, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बना के फिर इनको उठाती हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ना रोटी डाल दी है, मैं घी डालूँगी। पराठा तो जल्दी कर दूँगी। अभी दूध लेट आया ना, 9 बज रहे हैं इस टाइम, 9:15 का टाइम है। नाश्ता अभी लेट हो रहा, नहीं तो वो 8 बजे कर देती है। नाश्ता देते हैं, खाती हूँ। रात को बहुत गर्मी थी, रात को इतनी गर्मी हो गई थी ना एकदम। तो उसके बाद जब बाहर का सुबह जाकर टेम्परेचर थोड़ा सही होता है, सुबह के टाइम हवा चल रही थी तो कमरे में भी पंखा भी ठंडी हवा दे रहा था। बस मौसम पता नहीं अब किस तरह का, आगे आगे जाके ज़्यादा गर्मी लग रही है अब। चलिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। जी इधर मैंने अम्मी का नाश्ता बना लिया, पराठा और रोटी चने, और पराठा चने और चाय वगैरह बना लिए। ये मेरे देवर की चाय है, वो भी काम से आया है, क्योंकि सारी रात काम पे था। वो रबी लेवल की तैयारियाँ हो रही हैं ना, सड़कों पे लाइटें वगैरह जो लगती हैं, तो बस उस पर मसरूफ़ था। तो अभी आया तो अभी बस चाय पी के सो जाएगा। तो मैं अम्मी का नाश्ता दे के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी इधर मैंने चाय के साथ, नाश्ते के साथ साथ बर्तन भी धो लिए साथ ही रात के। आगे पीछे अम्मी रात को धो ली थी बर्तन, तो आज अम्मी ने धोए नहीं, इसलिए मैंने सुबह सुबह उठ के धो लिए। और साथ मैंने नाश्ता भी तैयार बना दिया। अब मैं स्कूल जाती हूँ, नाश्ता करके बच्चों के स्कूल जाकर इनका रिजल्ट लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। और ये रिजल्ट सीन की तेरी पहले रिजल्ट लेके आ गई हूँ, गर्मी लगी है बाहर, फीस भी जमा कराई हूँ। रिजल्ट रिजल्ट लगती हूँ, इधर जाके कमरे में भी दिखाती हूँ, तो फिर आती हूँ। जब तक तुम लोग कपड़ा देख लो, चूल्हा चलाओ। चूल्हा चूल्हा चलाते हुए पहले मैंने रोटी देख लो, नंबर क्यों आए। तो ये भी तो देखो, वो भी इतनी छोटी क्लास में फर्स्ट ही आती थी, अब उसकी क्लास बड़ी है। बड़ी क्लास के हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरी बेटी ने। बस बच्चों को कुछ लोग होते हैं जो रुला देते हैं, डिग्रेड करते हैं, रुला नहीं करते, सबसे पहले डिग्रेड करते हैं। क्या करें, यही दुनिया, इसी को कहते हैं दुनिया। कहते हैं ना, जो कुछ भी करना ना पहले अपने घर से करो स्टार्ट, तो घर से यही स्टार्ट होता है। ये हर घर की कहानी है, ये हर घर में होता है। सुबह सुबह
कंप्रोमाइज करो और पहले बातें सुनो। मुझे नहीं अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेरिंग करना, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन। हाँ, मुझे नहीं किसी के साथ भी ये करना। हमारे बच्चे हमारे हैं, उनके बच्चे उनके हैं, क्यों मिलाएं? ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट आए हैं जो उनको मुबारक, और जो दरमियाने नंबर आए हैं उनको भी मुबारक। हम अपने बच्चों पे वजन नहीं डालते कि नहीं तुम्हें फर्स्ट ही आने। जब हमारे बच्चे भी इतनी छोटी क्लास में थे फर्स्ट ही आते थे, शुक्र अल्लाह का अभी ए प्लस ही आए हैं। वैसे जिनकी बड़ी क्लासें होती हैं हर कोई तो नहीं ना फर्स्ट आता, किसी एक ने आना होता है। तो अभी मैंने रोटियां बेलनी हैं, मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। मैं आपको नंबर दिखाऊंगी इसके, आप लोग बताइए कमेंट में। अब फिर वे तसल्ली से मैं दिखाऊंगी, आप लोग लाजमी बताइएगा कमेंट में कैसे आए हैं। और सेवन क्लास के थे, और अभी तो वो थे ना मतलब मिड टर्म के थे, अभी फाइनल भी आएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी लाजमी। तो चलते हैं, अपना नाश्ता बनाती हूँ। मैं अभी नाश्ता बनाने लगी थी, बस मेरा हो गया था थोड़ा सा दिमाग खराब। मैंने मना कर दिया इसको, मैंने कहा ना दिखाया करो तुम्हें। मैंने इसको कहा तुम ना दिखाया करो मैं नंबर, बस छोड़ो करो, किसी को भी ना दिखाओ। हमारा नहीं दिखाया, वो आ गया हमें बोलने लगे। चलो अब बच्चे भी दोबारा अच्छा इधर आ गए हैं, गर्मा गर्म पराठे। इधर आ रही है आलू की पिठी, और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। आ जाओ जल्दी से, हम नाश्ता करने लगे हैं। इधर मम्मा भी आ गई हैं, जी हमारा नाश्ता हो गया रेडी। चाय भी आ गई है, चाय भी आ गई है मेरी। और अभी हम करते हैं नाश्ता रेडी। मैंने साग पिठी गर्म की है, हाँ जी, साथ में रोटियां बनाई हैं। ये देखिए रोटियां सादी हैं, लेकिन कितनी मजे की और कुरकुरी सी बनी। इसके साथ पीठी के साथ खाते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता स्टार्ट करते हैं जी। फिर आपसे जुड़े रहे हमारे साथ। यहाँ पे बनने लगी हैं आलू की रोटी, अब इसको ऐसे ढकते हैं। आलू की जो पीठी हमने कल बनाई थी ना, उसकी अब रोटियाँ पकेंगी दो, एक मेरी और एक लीजा के पापा की। और बाकी जो है ना अलीज़ा जब ट्यूशन से आएगी फिर उसकी बनेगी। अब बगड़ी भी हम बनाते हैं, ऐसे ही बंद करते हैं। अब इसको दोनों हाथों से बड़ी करेंगे, थप थप थपा थप करके, फिर तवे पे डालते हैं। ठीक है जी, ये मैंने दोनों बेलनी थी। आलू तो वैसे ही पिसे हुए ही थे, नमक मिर्च भी सही थी उनमें। अब इनको मैं तवे पे डालती हूँ। एक रोटी तो मैंने डाल दिया तवे पे, वहाँ पे उधर, और एक ये पड़ी है। बाकी ये खलारा उठाते हैं और ये खुशका इधर रखते हैं, और छाबा भी इसके ऊपर। बाकी ये स्टैंड इधर, चाय छन्नी भी इधर रख के, तो खलारा उठा के साथ ही मेज़ भी साफ़ कर लेते हैं। पहले ये रोटी उठाऊंगी फिर मेज़ साफ़ करूंगी। इधर रोटी हो गई है, इसकी साइड उलटाते हैं बिस्मिल्लाह, साथ ही घी भी लगा देते हैं। हम ना घी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया, हम ज़्यादा ऑयल ही लेके आते हैं अब। तो कभी घी आ जाता है, जब ऑयल नहीं ना मिलता फिर घी लेके आते हैं दुकान से। अब इसको ज़रा राड़ राड़ के पकाते हैं, राड़ के। और आज है हफ्ता, ये हमारी हफ्ते की वीडियो शूट हो रही है, मतलब सैटरडे। जो अंग्रेज़ हैं उनके लिए सैटरडे, उर्दू वालों के लिए हफ्ता, और बस पंजाबियों के लिए भी हफ्ता। ये देखें जी,
जो जिनको जुम्मे की छुट्टी होती है उनका स्टार्ट हफ्ते से होता है, और जिनकी इतवार की छुट्टी होती है उनका स्टार्ट मंडे से होता है। ठीक है जी, अब हमारी पक रही है रोटी, फूलने वाली हो गई है। चलो जी खा ही लेनी है। हमारे अब्बू थे, हमारे अब्बू कहते थे ये हम ना रोटी खोल के खाते थे ऐसे। अब्बू कहते थे नहीं रोटी का पर्दा नहीं खोलते, ये पर्दा होता है, ऐसे नहीं करनी ऐसे ही खाओ। हमें ना ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा पसंद होता था। तो मैं पका लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो फिर ना। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे दोनों साफ हो गई हैं रोटियाँ, साथ साथ मैं इनका चूल्हा भी जो हुआ था गंदा वो भी साफ राखी से कर दूँ। मेज़ तो मैंने कर लिया है। हाँ रोटी ये भी हो गई है, और इधर देखिए मैंने मेज़ भी साफ़ कर लिया, साथ खलारा भी उठा लिया, और ऐसे साफ साफ ही रहता है फिर खलारा उठा लो तो। करते हैं बंद, तो चलते हैं अंदर रोटी लेके, इनसे पूछते हैं खा लो जल्दी से। ये ना तार सही कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं एक मेल और फीमेल स्विच लगा के ना, तो इन्होंने ना ऊपर ये वाला लगाना है, ये वाला ना आज लगा देंगे, रात को लगा लिया करेंगे और सुबह को उतार लिया करेंगे, है ना। लगा रहेगा, गिरेगा तो नहीं। चलो अच्छी बात, बंद हो गए, चलो सही है। चलो रोटी खा लो ना पहले, फिर तारें शारें लगा लेना, बैठो रोटी ठंडी हो जानी है। फिर ये आपको पता आलू वाली है, ये फिर ठंडी नहीं अच्छी लगती। ये एक आपकी और एक मेरी है, ठीक है। चलो खाओ फिर, उठा दो ये चीज़ें सारी, हाथ दो आओ तो खाते हैं। चले जी गाइस, अब हम खाना खा लें तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी छत पे जा रहे हैं, ये सही करेंगे लाइटें, लाइट लगाएंगे जी। ये लेके जा रहे हैं ऊपर, अब क्या रह गया एक मिनट का। इसको इसके लिए तार बना लिया इन्होंने, तार कहाँ गई है ये देखें, ये वाली, ये इसको स्विच भी लगा दिए हैं मेल और फीमेल के, एक पिंक है और एक वाइट है। ये देखें, ये स्विच नहीं था, ये किसी और तार से निकाल के ये वाइट वाला स्विच लगाया, और इसको तो इसका तो स्विच ये लगा हुआ है इन तारों का, वो ऊपर से आराम से ही उठाइएगा। ढकना छोड़ दो भैया, अरे भैया हमारे ओहो गांव भी आए हैं। छुरी क्या करनी है अब, हेलो फड़ो, चलो 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 ऊपर चलो। चल जी गाइस, ऊपर चल के मिलते हैं, और मैं आपको गुलाब का फूल भी दिखाती हूँ जो आज हमारे पौधे में नया आया। हाँ वो मैं उठाती हूँ, आप जाओ मैं भी आ रही हूँ। चल जी आ गए हम ऊपर, वो देखें प्यारा सा गुलाब लगा हुआ है, कितना बड़ा है माशाल्लाह, प्यारा भी लग रहा है ये देखें, कितना प्यारा लग रहा है, खुशबू देखते हैं इसकी, माशाल्लाह सही खुशबू भी आ रही है ऊपर से, ऐसे देखें प्यारा लग रहा है ना। और हम उतारते भी नहीं हैं, उतार के ख़राब ही होना होता है। और उधर ना लगाएंगे अब ये तार, स्विच लगेगा ना जब गर्म अंधेरे में, फिर बड़ा प्यारा लगेगा। हाँ जी यही सही है, यही सही है। तो आगे थोड़ा सा आगे करके लटकाओगे ना आप, देख लो। हाँ इतना तो हो ना, इसको कैसे बांधोगे। हाँ ऐसे तो सेट कर लो ना पहले, थोड़ा सा पीछे रखना ना बाहर मेन तारों से। हाँ इतना सही है, थोड़ा सा डंडा उधर ही रहे ना, तो वो जो आप लगाओगे पीस वो थोड़ा सा पीछे रखना तार के, डंडे के किनारे पे ना लगाना, लगना ने कंडे दिए। हाँ लगना ना कंडे पे कैसे। हाँ, चलो ठीक है, चलो जी ये लगा ले, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसने इन्होंने कैसे लगाया, क्या जुगाड़ लगाया है ना। ये देखें जी इन्होंने सेट किया है, ऐलान हो रहा है।
हाजी मोहम्मद सरकार मरदूम उनका बेटा मोहम्मद अदीम उर्फ मौला जो रिजाइन है उसकी इंतकाल कर दी गई। अल्लाह उसकी मगफरत करे। यहाँ पे ऐलान हो रहा है हाजी मोहम्मद उनका बेटा मोहम्मद अदीम जो रिजाई से इंतकाल कर दी हूँ। कैसा जूम हुआ ये इन्होंने जिगाड़ लगा दिया। अभी तो वहाँ मोरी में डंडा लगाया है, अभी वहाँ पे लगाना है। आस्ता आस्ता देखें क्या करते हैं ये पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ लगाने में पाकिस्तानी कामयाब है ना। चलो कर लो पहले। चल जी ये देखें लग गई हैं, बाकी भी लाइटें जल पड़ी हैं। वो इन्होंने जुगाड़ कहाँ लगाया ये देखें। इधर एक पीपा रखा है, बीच में दो ईंटें और इन रस्सी पे ना बांध के ना ईंटें उन्होंने ये देखें ये नीचे किया और इसके बाद ये इधर लगाया। ये भी लाइट जलाई है इसकी, इसके बाद फिर ये सारी ईंटें वगैरह सारा ये यहाँ पे जिगाड़ लगा के ताकि ना ये रस्सी नीचे ना हो और ये सोटी भी नीचे ना हो, ये वाली सारी। और वसीम नीचे गए हैं, नीचे से देख रहे थे, वो आ गए। आ रहा और पीछे करना पड़ेगा, आगे को कर दो फिर आपको वो दोबारा वो करना पड़ेगा है ना, खोलनी पड़ेंगी रस्सियाँ। रस्सी ना खोले ऐसे स्टिक आगे कर दो। मसाला मेरा हो गया, ये देखिए मसाले में मैंने कुटी मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और नमक और थोड़ा जीरा, बस यही चार चीज़ें डाली हैं। कभी थोड़े टमाटर नरम हो जाए, आलू मैंने काट ली है, गोभी अभी नहीं काटी। साथ साथ मसाला भी कर रही हूँ, साथ साथ ये भी कर रही हूँ। गर्मी मुझे बड़ी लग रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मेरे सर में दर्द हो रही है, तो मैंने ना डिस्प्रिन खाई है। अभी डिस्प्रिन खाने के थोड़ी देर बाद जाके फिर मेरी थोड़ी तबीयत सही होती है, बस इधर अभी गोभी काटती हूँ, फिर इन दोनों को डालूँगी। पेड़े भी करके रखे हैं, मैं साथ ही रोटियाँ भी पका लूँगी। भाभी लोग ऊपर हैं, भाई देखिए शाम का टाइम हो रहा है। सिम भाई लाटे सही कर रहे ऊपर भी डालती, बीच में आलू भी धो के डालती हूँ, तो फिर इसको हल्की आँच पे पकने के छोड़ती हूँ, साथ ही रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस रोटियाँ बना के फिर वेली। चले जी इधर मैं बाहर से अंदर आ गई हूँ, हांडी मेरी हल्की आँच पे गोभी रखी पकने के लिए, रोटियाँ ही मैंने पका ली हैं, वो देखे हॉट पॉट में रख दिए मैंने ला के, तो रोटियाँ ही बना ली। अब बस हांडी हो रही हल्की आँच पे, हवा लेने बैठी बाहर, बड़ी गर्मी है। इधर अम्मी बोतलें भर के लाई हैं, मैं दिखाती हूँ। अस्सलाम गाइस, जो हम तैयारी कर रहे थे जिस लाइटों की ग्लोब की, वो देखे वो जल्दी वो लगा दिए मैम ग्लोब, तो आज तो हम चेक कराते हैं। आगे ये देखें ये लगा दिए मैं, तो ये माशाल्लाह चल रहे हैं। अब ये मंगल तक ये चलते रहेंगे। तो अब इंशाल्लाह ये मंगल तक चलते रहेंगे। तो बाकी देखे आगे दिन में मैंने एक बड़ी सी लाइट लगानी है, अब वो सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊँ, तो लगाऊंगा तो आप बताऊँगा। तो गैस आज की जितनी भी रूटीन थी हमने आप सबसे शेयर की, तो आप जितनी भी रूटीन थी आज की आज हमने आपसे शेयर की, और साथ साथ इधर मैंने अपनी फ्रिज भी साफ़ कर ली है, ऊपर वाला खाना है इसका, तो अब ना काफ़ी ये देखे मैंने सारा फर्श भी साफ़ किया, गंदा हो गया था, खलारा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, ये देखें सारा मैंने साफ़ कर दिया और खाली भी हो गया, बस दो कोले बर्फ़ के रखे हैं और ऊपर कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। चला दिया मैंने
अभी चलाई है 10-15 मिनट पहले ना। अच्छा हाँ, बस आसमां के पाए पड़े हैं छोटे और बड़े, और हड्डियाँ जैसे मिखी होती हैं वो डलती हैं ना, तो वो रखी हैं इसने बस। अब देखो अब हम किस दिन पकाएंगे, जिस दिन पकाए तो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, कल मिलेंगे हम आपको अब ना। हाँ कल मिलेंगे नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए जा।